Hello students, good morning. How are you? I hope all are well at home. Today we are reading class 5th subject English, chapter number 12, and the lesson name is Chittorgarh, a glimpse of glory. Glimpse means kya hota hai? Jhaki. Aur glory yani samman ki. Yani glimpse kiski aaj hum Chittorgarh ek jo qila hai fort hai aapne suna hai uske bare mein uski jo hum kya mante hain usko Rajasthan ka ye samman ki jhaki yani samman ka नजर से उसको देखते गौरव यानी प्राइड मानते चित्तौड़गढ़ के किले को। तो आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ अ ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी। नाउ वी आर गोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल दिस और ग्लोसरी वर्ड। सबसे पहले हम ये ग्लोसरी वर्ड करेंगे। तो फर्स्ट सिचुएटेड, सिचुएटेड मींस क्या होता है? स्थित होना। बिल्ड यानी क्या होता है? बनाना। और कैपिटल मींस क्या होती है? उसकी राजधानी। और म्यूजियम मींस संग्रहालय। कलेक्शन यानी संग्रह इकट्ठा करना, उसे कलेक्ट करना। और वेपन मीन्स हथियार। टावर मीन्स स्तंभ। और डेडिकेटेड यानी समर्पित। सैक्रिफाइस यानी बलिदान किया। डेवोटी यानी भक्त। ऑनर यानी सम्मान। और पैट्रियटिज्म भी यानी देशभक्ति। तो ये सबसे पहले हमारे ग्रोसरी वर्ड थे जो कि हम क्या करेंगे लेसन में भी इनको क्लियर करते हुए चलेंगे। नाउ टेक आउट पेज नंबर 85। We are reading this lesson चित्तौड़गढ़ का किला। इसके हम क्या पढ़ेंगे आज? इसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी किस तरह की उसकी विशेषता है, उसकी स्पेशलिटी क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट दिस लेसन 12 एंड द लेसन नेम इज चित्तौड़गढ़ अ ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी। मीन्स ग्लिम्स मीन्स झांकी और ग्लोरी मीन्स सम्मान, यानी सम्मान की झांकी जिसको चित्तौड़गढ़ किले को माना जाता है। नाउ स्टार्ट। हैव यू एवर सीन अ फोर्ट? क्या आपने ये किला, कोई किला कभी देखा है? डू यू नो राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स फोर्ट्स? आप जानते हो क्या, आप जानते हो कि राजस्थान किलों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी राजस्थान के किले हर जगह पर फेमस है। लेट्स रीड अबाउट अ फोर्ट विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया। चलो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एक ऐसा किला जो कि इंडिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। नाउ लुक दिस पिक्चर, दिस इज चित्तौड़गढ़ फोर्ट। दिस हॉल पिक्चर ऑफ द चित्तौड़गढ़ फोर्ट। दिस इज विजय स्तंभ। नाउ टेक आउट पेज नंबर 86। लेट्स यू स्टार्ट। हेलो आई एम सपना। हेलो मैं सपना हूँ, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। मैं कौन सी क्लास की? 5th क्लास की स्टूडेंट हूँ। आई लिव इन कोटा। मैं कोटा में रहती हूँ। लास्ट वीक आई वेंट टू चित्तौड़गढ़, यानी पिछले सप्ताह मैं कहाँ गई थी? चित्तौड़गढ़ गई थी विथ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। वी विजिटेड द वर्ल्ड फेमस फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़। अब हमने वहाँ पे किसका भ्रमण किया था, क्या देखने गए थे हम? जो कि पूरे विश्व में फेमस है चित्तौड़गढ़ किला, उसको हम देखने के लिए गए थे। इट इज़ सिचुएटेड ऑन अ हाई हिल। ये कहाँ पर? एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ के ऊपर स्थित है। सिचुएटेड मीन्स क्या होता है? स्थित होना। हिल यानी पहाड़ी, यानी बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित है, यानी बना हुआ है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया। ये सबसे बड़ा जो विश्व का किला है उसमें से एक माना जाता है। लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा किला माना जाता है इंडिया के अंदर। इट वॉज बिल्ट बाय द मौर्या ड्यूरिंग 7th सेंचुरी। इसको किसने? मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था 7वीं शताब्दी में। इट हैड बीन द कैपिटल ऑफ मेवाड़ ऑफ मोर देन 800 ईयर्स। अब इसको क्या किया था, 800 सालों तक ये उसकी किसकी, मेवाड़ क्षेत्र की राजधानी रहा था। मेवाड़ की जो पूरी क्षेत्र था उसका राजधानी किसको? चित्तौड़गढ़ को माना जाता था। 800 सालों तक ये राजधानी बना था। वी टुक द मॉर्निंग ट्रेन फ्रॉम कोटा रेलवे स्टेशन। हमने कहाँ से, सुबह से, सुबह की ट्रेन पकड़ी थी कहाँ से? कोटा रेलवे स्टेशन से हमने सुबह की ट्रेन, जो कि सुबह जल्दी थी, वो हमने ली थी। इट टुक अबाउट 3 आवर्स टू रीच चित्तौड़गढ़। अब कोटा से चित्तौड़गढ़ पहुँचने में कितना समय लगा? 3 घंटे का टाइम लगा उस वहाँ तक पहुँचने में। आफ्टर हैविंग टी एंड सम स्नैक्स एट द चित्तौड़गढ़ स्टेशन। अब हमने क्या किया था, चित्तौड़गढ़ स्टेशन पहुँचने के बाद हमने नाश्ता किया था, चाय ली थी। उसके बाद क्या किया था, वी टुक एन ऑटो रिक्शा टू रीच द फोर्ट। अब हमने क्या लिया था, एक रेंट पर ऑटो रिक्शा किया था उस किले तक पहुँचने के लिए। द रोड टू द फोर्ट हैड
मैनी टर्न्स, और जो सड़क बनी हुई है इस किले तक पहुँच रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा घुमाव है। वी वेंट थ्रू द गेट्स नेमली द पार्डन पोल, बैरन पोल, भैरव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोधला पोल एंड लक्ष्मण पोल। ये सब क्या है, उसके दरवाजे, जो उस किले के बड़े बड़े दरवाजे उनके सबके नाम है। ये सात दरवाजे हैं वहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड मेन गेट। और जो उसका मेन गेट है उसका नाम क्या है, रामपोल। जो मेन गेट है उसका क्या नाम है, रामपोल। यानी उसके सात दरवाजे हैं। वी बॉट टिकट्स टू सी द म्यूजियम इन द फतेह प्रकाश पैलेस। यानी जो पैलेस है वहाँ का, जो महल है फतेह प्रकाश पैलेस, वहाँ पे क्या है, इसको एक म्यूजियम बनाया गया, संग्रहालय बनाया गया, जहाँ पे सारी पुरानी चीज़ें सुरक्षित रखी गई हैं। उसको देखने के लिए हमने क्या लिए थे, टिकट खरीदे थे। इट हैड ए नाइस कलेक्शन ऑफ ओल्ड गन्स। अब वो बहुत ही अच्छा संग्रह है किसका, पुरानी गन्स का, बंदूक का, स्वॉर्ड एंड अदर वेपन्स, तलवारों का और दूसरे हथियारों का। नाउ वी सो द फेमस विजय स्तंभ, और हमने जो कि प्रसिद्ध है, कौन सा, विजय स्तंभ बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको देखा था। इट वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा, जिसको किसने बनाया था, राणा कुंभा ने उसको बनाया था, आफ्टर हीज विक्ट्री ओवर महमूद खिलजी, जिसको किसकी विजय की खुशी में बनाया गया था, मोहम्मद खिलजी पर विजय प्राप्त करने की खुशी में उसको बनाया गया था विजय स्तंभ को। द सुल्तान ऑफ मालवा, जो कि कौन था, मालवा का सुल्तान था। इट हैज़ 157 स्टेप्स टू रीच द टॉप ऑफ द टावर, इस पूरे स्तंभ के ऊपर, सबसे ऊपर पहुंचने के लिए कितनी, 157 यानी 157 सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है सबसे ऊंचाई पर पहुंचने के लिए। अ लाइट एंड साउंड शो इज हेल्ड इन द इवनिंग। अब यहाँ पर क्या है, एक लाइट एंड साउंड, एक आवाज़ और एक बिजली की व्यवस्था की गई है, जिसको इवनिंग में यानी शाम को देखा जाता है। देयर इज अनदर टावर ऑल्सो, यहाँ पर एक दूसरा टावर भी है, इट इज़ कॉल्ड कीर्ति स्तंभ। और दूसरा जो टावर है उसका नाम क्या है, स्तंभ का, कीर्ति स्तंभ, यानी उसका नाम क्या है, कीर्ति स्तंभ। इट इज़ डेडिकेटेड टू भगवान आदिनाथ, ये जो जैन धर्म के जो भगवान माने जाते हैं, भगवान आदिनाथ, उनको समर्पित किया गया है। द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, जो कि कौन थे, फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे। वी विजिटेड द राणा कुंभा पैलेस, इट रिमाइंड्स अस ऑफ, और उसके बाद में हमने क्या देखा, वी विजिटेड, हमने राणा कुंभा का जो महल था वो भी हमने देखा। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द पॉपुलर स्टोरी ऑफ पन्नाधाय। अब ये हमको किसकी कहानी याद दिलाती, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, पन्नाधाय, द मेड ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह, जो कि छोटे जो राजा थे, कौन, उदय सिंह, उनकी मेड थी यानी उनकी आयाज थी, उन्होंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। शी सेक्रीफाइज्ड हर सन चंदन टू सेव द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह, जिसने अपने बेटे चंदन का भी बलिदान दे दिया था, किसको बचाने के लिए, जो छोटे राजा थे उदय सिंह, उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को भी बलिदान कर दिया था। मीराबाई द ग्रेट डेवोटी ऑफ भगवान कृष्णा ऑल्सो लिव्ड इन दिस पैलेस। अब जो मीराबाई थी वो भी इसी, जो भगवान की, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, वो भी इसी महल में रहती थी। इट इज़ द सेम पैलेस वेयर द ब्यूटिफुल क्वीन पद्मिनी कमिटेड जौहर अलॉन्ग विथ मैनी अदर वुमेन टू सेव हर ऑनर। और यही वो महल है जहाँ पे सबसे खूबसूरत जो रानी थी पद्मिनी, वो भी रहती थी, और जिन्होंने क्या किया था, अपनी दासियों के साथ मिलकर उन्होंने जौहर कर लिया था अपने मान सम्मान को बचाने के लिए। देर आर मैनी टेम्पल्स एंड वाटर बॉडीज, There are many temples and water bodies inside the fort. यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और water bodies यानी बहुत सारे तालाब और पौंड यहाँ पर बनाए हुए हैं किस किले के अंदर। We visited the मीराबाई मंदिर, हमने वहाँ पर क्या देखा, मीराबाई का मंदिर भी देखा। The कालिका माता मंदिर, वहाँ पर जो कालिका माता मंदिर है वो भी हमने देखा। And तुलजा भवानी मंदिर, और एक अन्य माता है जिनका नाम क्या है, तुलजा माता, उनका भी मंदिर बना हुआ, तो उसको भी हमने देखा। वी सो अ गौमुख एंड सम अदर पॉन्ड्स, और हमने वहाँ पर जो गौमुख नाम का पॉन्ड है उसको भी देखा, और वो दूसरे जो पॉन्ड्स है उसको भी हमने देखा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज़ द सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड पेट्रियटिज्म ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़। जो चित्तौड़गढ़ किला है वो क्या है, ब्रेवरी यानी बहादुरी का और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो कि मेवाड़ के लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ था। द फोर्ट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स
इन्वेडर्स टू सेव आर मदरलैंड। और वो किसके विरुद्ध लड़े थे? वो जो विदेशी लोग थे, हमलावर थे, उनसे लड़े थे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। मदरलैंड मीन्स मातृभूमि, फॉरेन यानी विदेशी, और इन्वेडर्स यानी हमलावर। वी आर प्राउड ऑफ चित्तौड़गढ़ एंड द ब्रेव वॉरियर्स ऑफ मेवाड़। हमको चित्तौड़गढ़ के किले पर बहुत गर्व है और उनके जो बहादुर जो योद्धा थे, जो कि मेवाड़ के योद्धा थे, उनके ऊपर भी हमको क्या है, बहुत ज़्यादा गर्व है। वी कॉन्क्लूडेड आर ट्रिप विथ डिनर एट द रेस्टोरेंट नियर द फोर्ट एंड टुक द नाइट ट्रेन टू कोटा। और उसके बाद हमने क्या किया, हमारी यात्रा का समापन कहाँ किया, डिनर एट एट रेस्टोरेंट, एक भोजनालय में हमने रात का खाना खाया, और नियर द फोर्ट जो कि किले के पास में था, एंड टुक द नाइट ट्रेन टू कोटा, और रात की ट्रेन पकड़कर हम वापस कोटा आ गए। नाउ आर दिस लेसन इज कम्प्लीटेड, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लेसन। नाउ वी आर डूइंग दिस ग्लोसरी वर्ड अगेन, वन टाइम वी हैव डन दिस। सिचुएटेड, सिचुएटेड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और पोजिशन यानी स्थिति, स्थित। बिल्ड यानी मेक यानी बनाना, और कैपिटल अ सिटी दैट इज द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट यानी राजधानी। कैपिटल क्या होता है? राजधानी। म्यूजियम अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कैप्ट यानी संग्रहालय, जहाँ पर पुरानी चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। कलेक्शन अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वन टाइप यानी संग्रह, यानी किसी चीज़ों को इकट्ठा करके रखना, कलेक्शन। वेपन एन ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ गन बॉम्ब एक्सेट्रा दैट इज यूज फॉर फाइटिंग और अटैकिंग समबडी यानी हथियार। वह चीज़ें जो क्या करें, दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए रखी हुई हो, उनको क्या बोलते हैं, वेपन यानी हथियार। टावर यानी अ टॉल नैरो बिल्डिंग और पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग यानी एक सकड़ा सा कोई ऐसे खंभे जैसा बना हुआ होता है, उसको स्तंभ कहते हैं। टावर डेडिकेटेड यानी डेवोटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टास्क और पर्पस यानी किसी खास कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, वो डेडिकेटेड। सेक्रीफाइज्ड गेव अप समथिंग वैल्यूएबल इन ऑर्डर टू हेल्प अनादर पर्सन यानी किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपनी जान न्योछावर कर देना यानी बलिदान कर देना। डेवोटी अ वेरी रिलीजियस पर्सन हु बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप यानी भक्त, जो डेवोटी होता है किसी भगवान का भक्त। ऑनर, ऑनर यानी रेस्पेक्ट, सम्मान, और पैट्रियटिज्म एंड लव ऑफ वंस कंट्री यानी अपने देश से प्रेम करना, देशभक्ति। नाउ एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन योर नोटबुक। दिस इज चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव यानी सही आंसर आपको फिल करना है। हाउ मैनी गेट्स आर देयर इन टू रीच इनसाइड चित्तौड़गढ़ फोर्ट यानी कितने दरवाजे थे वहाँ पर पहुँचने के लिए चित्तौड़गढ़ किले में? सेवन। हाउ मैनी? सेवन। हु बिल्ट द विजय स्तंभ? विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ बी एक्टिविटी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर जो सही है उसके लिए टी ट्रू लिखना है, और जो रॉन्ग है उसके लिए फॉल्स यानी एफ लिखना है। सपना विजिटेड कुंभलगढ़ फोर्ट? नो, कुंभलगढ़ फोर्ट नो, दिस इज रॉन्ग। गणेश पॉल इज द मेन गेट टू एंटर चित्तौड़गढ़ फोर्ट? नो, फॉल्स, राम पोल था उनका मेन जो गेट था, कौन सा था? राम पोल। कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा? कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनाया हुआ है? फॉल्स। मीराबाई वॉज ए ग्रेट डेवोटी ऑफ भगवान कृष्ण? यस, ट्रू। दिस इज क्वेश्चन आंसर, यू हैव टू डू दिस ऑल क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। हु बिल्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट? चित्तौड़गढ़ किला किसने बनाया था? चित्तौड़गढ़ फोर्ट वॉज बिल्ट बाय द मौर्याज। वॉट डिड सपना एंड हर पेरेंट्स सी इन द म्यूजियम? उन्होंने क्या क्या देखा उसके बारे में आपको लिखना है। वाई डिड राणा कुंभा बिल्ट द विजय स्तंभ? राणा कुंभा ने विजय स्तंभ किस खुशी में बनाया था, उसको आपको आंसर लिखना है। हाउ डिड पन्ना धाय सेव द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह? वाई डिड राणा कुंभा बिल्ट द विजय स्तंभ? राणा कुंभा ने विजय स्तंभ क्यों बनवाया था? यू हैव टू राइट द आंसर। राणा कुंभा बिल्ट द विजय स्तंभ ऑन द ओकेजन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर
मोहम्मद खिलजी द सुल्तान ऑफ मालवा, जो कि सुल्तान था मालवा का, उसकी ऊपर विजय हासिल करने की खुशी में उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था राणा कुमार। हाउ डिड पन्ना धाय सेव द लाइफ ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह, यानी पन्ना धाय ने जो छोटे राजकुमार थे उनकी जीवन कैसे बचाया था, उनके जीवन की रक्षा कैसे की थी उन्होंने। तो पन्ना धाय सेव्ड द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह बाय सेक्रीफाइसिंग हर सन चंदन, उन्होंने अपने बेटे की जान को निछावर कर दिया, अपने बेटे को भी निछावर कर दिया उनकी जान किसकी, उदय सिंह की जान बचाने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने जो राजा थे छोटे राजा उनकी जान बचाई, और इसके लिए अपने उन्होंने बेटे को भी क्या कर दिया, सेक्रीफाइड कर दिया। नाउ दिस इज योर लेसन इज कम्प्लीटेड, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लेसन, यू हैव टू डू दिस ऑल एक्टिविटी इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।